इसे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने की जो झारखंड में प्रयास हो रही है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस सब कोई सोचता नहीं है, सरकार उस पर और विधानसभा अध्यक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं होते। अगर समाज की जो ताना बाना इसी प्रकार से तोड़ने की लोग कोशिश करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो इससे बड़ी और दुखद राज्य के लिए क्या हो सकता है। फिर आप सब ने देखा कि लगातार इन दिनों गौ तस्करी को लेकर के अखबारों की सुर्खियों में भी बनी हुई है और हमारी जानकारी तो है झारखंड में संथाल परगना की ओर से बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में गौ तस्करी होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों की संरक्षण में होता है, पुलिस के संरक्षण में होता है और जेटी रोड से भी होता है, फिर बहरागोड़ा तरफ कोल्हान तरफ से भी होता है और रांची की घटना तोपूदाना की तो आप सबको पता है। तो ये जो झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो कानून को धत्ता बता करके जो इल्लीगल काम हो रहे हैं और सरकार उन इन लीगल कामों को रोकने के बजाय बल्कि उन सब इल्लीगल कामों को वो प्रोत्साहित करते हैं और जब इन सारे विषय पर चर्चा के लिए हमारे विधायक सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाते हैं और हम सब चाहते हैं कि भाई ये ज्वलंत मुद्दा है, अगर इन सारे सेंसिटिव इशुओं पर अगर हम शत्रु मुर्गों की तरह सर छुपा करके रहेंगे तो राज्य की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। और इसीलिए हम सब चाहते हैं भाई बाकी सामान्य कामकाज तो चलते ही रहता है, उससे कोई किसी को कोई विरोध नहीं है। ये सबसे जरूरी है जो कि राज्य की समाज की जो ताना बाना को जो समाप्त करने की कोशिश हो रही है और सरकार वैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है। और आज से नहीं, अगर आप याद करिए जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो पहली घटना कहाँ हुई थी, लोहरदगा में CIA को लेकर के, जब उस वक्त CIA के समर्थन में जुलूस निकाला गया तो फिर दंगा फसाद हुआ, एक प्रजापति मारे भी गए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उसके बाद कोरोना काल में भी आप सब ने देखा जो तबलीगी जमात के लोग आए हुए थे मजदूर कह करके और रात में उनको क्वारंटाइन करने के बदले बस का इंतजाम करके झारखंड सरकार के सीनियर मंत्री ने सबको झारखंड के बॉर्डर से बाहर निकाल दिया, अर्थात जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे कहीं तो पकड़ाए थे और बाहर कर दिया। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी चाहती थी ये जो गौ तस्करी है, ये जो जिस ढंग से राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा था। अब उन ज्वलंत मुद्दों को अगर चर्चा कराना विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहेगी तो स्वाभाविक है कि विधायक विरोध करेंगे। इससे बड़ी और ज्वलंत मुद्दा इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।